अपने भावों अथवा विचारों को हम जिस माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जब बोलकर अपनी बातें कही जाएं, जैसे गाना गाना। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पत्र लिखना, ईमेल करना। इसके साथ ही प्रयोग के अनुसार भाषा को मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में भी जाना जाता है। मातृभाषा वह भाषा जो माँ अथवा परिवार से ग्रहण की जाती है, जैसे पंजाबी परिवार की मातृभाषा पंजाबी, तमिल परिवार की मातृभाषा तमिल होगी। राजभाषा वह भाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख भाषा है, राजभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश लोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है, जैसे जर्मन जर्मनी की तथा जापानी जापान की राष्ट्रभाषा है। एक सीमित क्षेत्र में भाषा के विकसित स्थानीय रूप को बोली कहते हैं, जैसे मारवाड़ी, गढ़वाली आदि। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी तथा पंजाबी की गुरुमुखी है। यहाँ देखिए कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनकी लिपियाँ। भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग के नियम बताने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को तीन भागों में बांटा जा सकता है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप, भेद, उच्चारण, प्रकार आदि के बारे में बताया जाता है। शब्द विचार में शब्द के स्वरूप, भेद, व्युत्पत्ति, लिंग, वचन आदि के बारे में बताया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य की रचना, भेद, अंग तथा भिन्न प्रकार के रचनात्मक लेखन के विषयों के बारे में बताया जाता है। इसी के साथ भाषा के ज्ञान को एक विशिष्ट स्वरूप में संचित और संग्रहित भी किया जाता है, जिसे साहित्य कहते हैं। साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य में कहानी, नाटक, निबंध, यात्रा वर्णन, संस्मरण, उपन्यास, जीवनी आदि आते हैं। पद्य में काव्य, कविता, दोहे, छंद आदि आते हैं। तो यह थी भाषा, बोली और व्याकरण से संबंधित जानकारी। आओ मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। भावों की अभिव्यक्ति का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखित रूप के निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। व्याकरण के तीन अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा के संचित ज्ञान संग्रह को साहित्य कहते हैं। देखो बच्चा जो भाषा माता पिता से सीखता है उसे क्या कहते हैं? माता पिता से सीखी हुई भाषा मातृभाषा कहलाती है। वो राजभाषा नहीं हो सकती, वो राष्ट्र प्रांतीय भाषा यानी एक देश की भाषा नहीं हो सकती, राष्ट्रभाषा वो हो ही नहीं सकती। तो भावों और सेकंड क्वेश्चन है भावों और विचारों के आदान प्रदान, विचार और भाव, जिससे हम अपनी बातें कह सकते हैं, दूसरे की सुन सकते हैं। तो ना तो वो वाक्य होता है, ना स्वर होता है, ना व्यंजन होता है, भाषा होता है। तो भाषा को मैंने बता दिया है, भाषा होता है। और थर्ड क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? ना तो वो चीनी होती है अंग्रेजी भाषा की लिपि यानी लिखी जाती है, ना वो अरबी में लिखी जाती है, ना जापानी में लिखी जाती है, वो रोमन में लिखी जाती है। तो रोमन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो निम्नलिखित वाक्य को सही शब्द भरे, इनमें सही शब्द भरना है, इन सब में हमें सही शब्द भरना है। तो विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं हम? भाषा कहते हैं। तो भाषा हमने चुन लिया, ठीक है। अब जो विचारों को बोलकर प्रकट किया जाए, बोल करके मौखिक होता है,
ठीक है। और लिखकर जो प्रकट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिखित कहते हैं। ये हमारा सही हो गया है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, लिपि की, जिनसे हम लिखते हैं, चिन्हों की। और मराठी की लिपि क्या है, देवनागरी है। तो ये हो गए। अब हम अपने आंसर भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए हमारे उत्तर बिल्कुल सारे सही है। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन अपने आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, और ये ग्रामर ये आंसर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज याद करें और अपनी हिंदी व्याकरण नोटबुक में नोट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।